बस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। मसौढ़ी जाप नेता विशाल केसरी ने महाप्रबंधन रेल हाजीपुर जिलाधिकारी पटना अनुमंडल पदाधिकारी मसौढ़ी तारेगना स्टेशन मास्टर को पत्र के माध्यम से तारेगना रेलवे गुमटी पर बन रहे फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण से जुड़ी परियोजना विवरण पट कार्यस्थल पर लगाने की मांग की। पत्र लिखते हुए केसरी ने पुल के निर्माण कार्य से जुड़ी जानकारी, जैसे कि योजना के अंतर्गत कार्य हो रहा है और किस तरीके के खर्चे हो रहे हैं, उन तमाम जानकारियों को उससे अवगत करवाया। आज मैं पत्र के माध्यम से जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पदाधिकारी और रेल पदाधिकारी से जो मसौढ़ी के गुमटी पर फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण हो रहा है, वहाँ परियोजना का विवरण पट नहीं लगा हुआ है और वहाँ की जनता इससे गुमराह और अफवाहों में जी रही है। विगत कई वर्षों से पुल के अफवाह और पुल की बातें कही जा रही है, लेकिन ये पुल की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कितने का प्रोजेक्ट है। एक गया में नक्सल प्रभावित क्षेत्र डुमरिया प्रखंड के छकरबाधा पंचायत के वार्ड नंबर 2 के जन वितरण प्रणाली के डीलर रामविलास पासवान द्वारा 3 महीनों का राशन नहीं मिलने से नाराज लुभावकों को जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन देकर अवगत कराया। सरकार द्वारा घोषित मई जून के फ्री राशन देने की घोषणा की गई थी, लेकिन इन लाभुकों को 1 किलो अनाज तक नसीब नहीं हो रहा है, जिसको लेकर डीलर हर बार ग्रामीणों को अनाज वितरण करने से पहले पाउच मशीन में फिंगर लगवा देता है और फिर आजकल करके उन्हें राशन नहीं दिया जाता है। गला नहीं मिल रहा है। हाँ, जब मांगे जाते हैं तो कहता है कि देखियो करके उठा ले लेते हैं और अपना निकल जाते हैं। अब तीन बार से नहीं दे रहे हैं जी। और जब कहते हैं कि अच्छा तो ठहर जो थोड़ा हिंसा करो, वीडियो भेज दो, नहीं मिल रहा है। अब कौन दिक्कत है, इस डीलर कहाँ लापता हुए हैं, गला नहीं मिल रहा है। शिकायत करने आए हैं? शिकायत करने आए हैं इस डीएम को। आप क्या हैं? मैं वार्ड सदस्य को लेके आए हैं जी सर। कितने लोगों को नहीं मिल रहा है? तो कम से कम 300-400 आदमी है कार्डधारी, कुछ किसी के नहीं मिला से। नहीं मिला नहीं, हमको भी नहीं मिला। जनप्रतिनिधि को भी नहीं दे रहा? नहीं दे रहा है। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं ये नहीं है, कहाँ है नहीं है कोई पता नहीं। तो शिकायत किए थे वहाँ? अभी शिकायत कहाँ डायरेक्ट नहीं आए हैं सर, एक डी ओ के। बिहार के डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने तेजस्वी को नसीहत देते हुए तेजस्वी के मुंगेरी लाल के सपने ना देखे ऐसा कहा है। तेजस्वी का बयान, 3 महीने से सरकार गिरा जाएंगे मुंगेरी लाल का सपना है। तेजस्वी विपक्ष के नेता हैं और विकास के लिए कार्य करें, सनसनी फैलाने के लिए इस तरह का बयान ना दे तेजस्वी यादव, इस तरीके की बातें डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने कही। वो प्रतिपक्ष के नेता हैं बिहार विधानसभा में, लेकिन बिहार जब गहरे कोरोना के संक्रमण के संकट से गुजर रहा था, वो बिहार से बाहर थे और जब वो लौटते हैं तो कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो सनसनी तो फैलाती है, लेकिन वो बाद में मुंगेरी लाल के हसीन सपने बनकर रह जाते हैं। बिहार आने के बाद जो जिस कोरोना के संक्रमण से बिहार गुजरा और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सबों ने जो हमारे पास संसाधन थे उसका बेहतर इस्तेमाल करके इस पर काबू पाने का काम किया, लेकिन इन चीज़ों से उनका कोई वास्ता नहीं है। बिहार की जो मूल समस्या, जो लंबे अरसे तक जिसके कारण कई चीज़ें ठहर सी गई है, हम कई कार्यक्रमों को स्वरूप नहीं दे पाए, लेकिन वो दिल्ली में व्यस्त थे। वो क्यों व्यस्त थे इस संबंध में हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन इतना जरूर हम कहना चाहते। गया में युवा जदयू कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कर युवा जदयू बिहार के प्रदेश प्रभारी विशन कुमार बिहू और युवा जदयू दक्षिण बिहार के प्रदेश अध्यक्ष श्याम पटेल के निर्देशानुसार बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए गया जिला युवा जदयू के अध्यक्ष कुमार गौरव उर्फ गौरव सिन्हा द्वारा गया जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों और प्रखंड अध्यक्षों को मनोनयन किया गया।
औरंगाबाद में दहेज की खातिर एक विवाहित की हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया। घटना नगर थाना क्षेत्र के शाहपुर मोहल्ले की है। मृतिका मधु के परिजनों ने बताया कि इसके ससुराल वाले बतौर दहेज चार पहिया वाहन की मांग कर रहे थे, जिसे पूरे कर पाना उन्हें के समर्थ में नहीं था, जिसके बावजूद लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता था और जिसके बाद से उसकी हत्या कर दी गई। और हमारी लड़की को इन लोगों ने दहेज के मामले में मर्डर करके और घर में रखा, और इसी बीच हमको सूचना मिला तो हम वहाँ से भागे भाग गया। इसे बाकी हम जानकारी मिलेंगे। कब शादी किए थे? 19 नवंबर में किए हैं। 20 नवंबर कहाँ किए थे? शाहपुर औरंगाबाद में, टीचर ट्रेनिंग के स्कूल के सामने। बीच में किसी तरह का कोई समस्या भी आया था? बीच में समस्या यही, उसकी सास जो है बराबर टॉर्चर करता था, लड़का बराबर टॉर्चर करते रहता था, और वही मांगता था कि हमको इतना प्रॉपर्टी है, इतना संपत्ति लाख तिलक मिल रहा था कि आपको टॉर्चर तक गाड़ी देना पड़ेगा। तो हमने बोला कि भाई इतना शादी किया हूँ बच्चों के, अभी कर्जा में बुका गया हूँ कि हमको रिटायरमेंट का टाइम नज़दीक है, अगर पैसा मिलेगा तो हम आपको चक्कर गाड़ी भी दे देंगे 8 से 10 लाख। मार्ग निषेध विभाग की विशेष टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से औरंगाबाद में कार्रवाई करते हुए शराब लदे एक ट्रक को जब्त किया। NH 139 पर दो मुहाना के पास की गई कार्रवाई में टीम ने ट्रक के चालक और खलासी को भी गिरफ्तार कर लिया। बाद में हरियाणा नंबर के इस ट्रक की जब तलाशी ली गई तो उस पर लदा महंगो ब्रांड का कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया। औरंगाबाद में पुरानी रंजिश में हुई गोलाबारी में एक युवक घायल हो गया। घटना दाऊदनगर थाना क्षेत्र वार्ड संख्या 5 की है। घायल युवक को तत्काल दाऊदनगर PHC लाया गया, जहां आवश्यक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे औरंगाबाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल विनोद सिंह से बताया गया कि गोली चलाने वाला उसका चचेरा भाई अशोक है, जिसके साथ उसकी पुरानी रंजिश चल रही है। हमने बोला कि तुम मुझे क्या कर लगा, तो तुमको गोली मार देंगे, जरा मार के दिखा। तो इसी बीच में उसने गर्दन में हाथ लगा करके और हमारे कनपट्टी पर रिवाल्वर भिड़ा करके, जैसे ही भिड़ाया इसी तरह से हाथ ऊपर किए, गोली का कुछ अंश हमारे सर में आया और छोड़ गए। जहानाबाद प्रदेश भाजो योमो के द्वारा पूर्व प्रायोजित कार्यक्रम पूरे बिहार भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा वृक्षरोपण कार्यक्रम किया गया, जिसका शुभारंभ भाजयुमो के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह के अध्यक्षता में बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और वन पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार ने की। इस क्रम में हमारे जिला अध्यक्ष जहानाबाद में भुजियामो के जिला अध्यक्ष मनीष केसरी अध्यक्षता में और इस कार्यक्रम के संयोजन अमित कुमार शर्मा रहे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित स्वामी सहजानंद सरस्वती की 71वां पुण्यतिथि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर स्वामी सरस्वती पर आधारित स्मारक का भी लोकार्पण किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के डिप्टी CM तारकेश्वर प्रसाद ने किया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और राम मंदिर के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की प्रदेश कार्य समिति की कल बैठक होने जा रही है, उसमें माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कई आने वाले दिनों में जो हमारे सांगठनिक कार्यक्रम हैं वो सारे कार्यक्रम के रूपरेखा पर विमर्श होगा और फिर हम सब सांगठनिक दृष्टि से उन कार्यों को अमलीजामा पहनाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जो बिहार के माननीय प्रभारी होते हैं और जो बिहार से जुड़े हुए कई नेता हैं, जो समय समय पर उनका मार्गदर्शन मिलता है, सारे लोग उपस्थित रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने ना भूलें। नमस्कार।